आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे था, उस पर जो भी महिलाओं ने अच्छे से काम किया है, सभी लेडीजों की अच्छे से सुनवाई भी की है, कोऑर्डिनेट बना के रखा है उनसे, जो सभी के करेक्टर रोल में भी जो अच्छी एंट्री थी, इसीलिए सर ने सम्मानित किया। महिलाओं को अपने हकों के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अब जब हमारे बड़े ऑफिसर हमें अप्रिसिएट करते हैं तो अच्छा लगता है। अगर हमारी नज़र में कोई ऐसी महिला आ जाती है तो हम उसको ये जागरूक करते हैं, भाई आज तो तुम्हारे साथ हुआ है, कल नहीं ये किसी और के साथ भी हो सकता है, आज तुम खड़े नहीं होगे तो फिर कब खड़े होगे। एक दिन महिलाओं का नहीं होता, हर दिन महिला का होता। सुबह जब महिला उठती है वहाँ से शुरुआत होती है और रात को जब सोती है वहाँ अगले दिन की उसको चिंता होती है, तो हर दिन महिला दिवस होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पानीपत पुलिस का, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। हमें पीछे भी काम करते रहे, आगे भी हम अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे, जिससे कि महिला जो है हमारे एरिया में सुरक्षित महसूस करे। और आज कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिन्होंने अच्छे केसेस क्रैक किए हैं और अच्छी इन्वेस्टिगेशन किए पिछले कुछ दिनों में, उनको सम्मानित किया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पूरा देश इस दिवस को बड़ी धूमधाम से मना रहा है, और ख़ास तौर पर आज उन महिलाओं को सम्मानित किया जा रहा है जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रही हैं। आज पानीपत के SP ने भी उन महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया जिन्होंने समाज में रहकर समाज से तालमेल भी बनाया और अपनी ड्यूटी भी जो है बड़ी अच्छी तरह से निभाई। तो सीधा ये चलते हैं उन महिलाओं के पास, ले जाते हैं उन महिलाओं का, पुलिस कर्मचारियों का क्या कहना है और SP साहब इस बारे में क्या कहते हैं। सीधी तस्वीरें जो हैं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक एक करके जो है महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है और ड्यूटी में जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको सम्मानित जो है किया जा रहा है। महिलाओं से मिलवाते हैं, पहले ये विजुअल आप देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी, तो आपका संदेश क्या है और आज किस लिए सम्मान किया गया? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है तो सारे महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और हरियाणा पुलिस हमेशा प्रतिबद्ध है महिला सुरक्षा के लिए, और हमें पीछे भी काम करते रहे, आगे भी हम अच्छे तरीके से काम करते रहेंगे जिससे कि महिला जो है हमारे एरिया में सुरक्षित महसूस करे। और आज कुछ महिलाओं को सम्मानित किया गया है, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जिन्होंने अच्छे केसेस क्रैक किए हैं और अच्छी इन्वेस्टिगेशन किए पिछले कुछ दिनों में, उनको सम्मानित किया गया है। और कुछ जो NGO से एसोसिएटेड थी लेडीज़ थी जिन्होंने पुलिस का काफ़ी सहयोग किया, उनको भी सम्मानित किया गया। आपको भविष्य में अच्छा काम करेंगे, आगे भी ऐसे अप्रिशिएट करेंगे? हाँ बिल्कुल, जैसा आपने देखा होगा कि रिवॉर्ड्स मैं रेगुलर बेसिस पे देते रहता हूँ प्राइवेट पर्सन को भी और हमारे मुलाजिमों को भी। जैसे पीछे हमने क्या किया कि कुछ लोगों ने स्नैचर्स पकड़े थे, चोर पकड़े थे अपने, तो उनको भी हमने रिवॉर्ड किया था, आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। आम पब्लिक भी अगर जो अच्छा काम करे तो बिल्कुल, अगर आपके माध्यम से आपको लगता है कुछ है तो आप हमारे संज्ञान में ला सकते हैं, तो उनको हम बिल्कुल ही रिवॉर्ड करेंगे। आज बहुत गर्व हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। आज इंटरनेशनल वुमेन डे था, उस पर जो भी महिलाओं ने अच्छे से काम किया है, सभी लेडीजों की अच्छे से सुनवाई भी की है, कोऑर्डिनेट बना के रखा है उनसे, जो सभी के करेक्टर रोल में भी जो अच्छी एंट्री थी, इसीलिए सर ने सम्मानित किया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जी, तो महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि भी महिलाओं को सबसे पहले खुद की सेफ्टी करने के लिए खुद को ही स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। हमें किसी से भी मदद लेने से पहले, उनसे बात करने से पहले खुद के अंदर इतनी शक्ति लानी चाहिए कि हमें, मैं तो ये मानूंगी कि किसी की जरूरत ही ना पड़े, उस मोमेंट तक पहुँचना ही ना पड़े, क्योंकि मेरे को खुद एक अपनी मदद के लिए मैं किसी दूसरी महिला को ही मदद लूँ, उससे पहले खुद की मदद खुद कर लूँ तो शायद वहाँ तक की नौबत ही नहीं आएगी। क्योंकि आजकल जितने भी रेप केसेस वगैरह दर्ज हो रहे हैं, मेरा मानना ये है कि कहीं किसी हद तक वहाँ पे महिला खुद को बचा सकती है, लेकिन वो पता नहीं इतनी कमज़ोर क्यों पड़ जाती है कि भी वो बिल्कुल कह देती है कि मेरे को तो जो धमकी देती थी बस यहीं तक ख़त्म हो जाती है, जब तक वहाँ तक ख़त्म नहीं होना चाहिए। मतलब खुद को इतना स्ट्रॉन्ग तो होना चाहिए, बनाना ही चाहिए, महिलाओं को आगे आना चाहिए। बिल्कुल। आज सम्मानित किया गया है SP साहब की तरफ से, जब बड़े अफसर सम्मानित करते हैं गर्व भी महसूस होता है, एक मज़ा भी आता है काम करने का। और आज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस से क्या संदेश देंगे?
महिलाओं को अपने हकों के प्रति जागरूक होना चाहिए और इसी हिसाब से हमें काम करना चाहिए। अब जब हमारे बड़े ऑफिसर हमें अप्रिसिएट करते हैं तो अच्छा लगता है और काम करने का हौसला भी बढ़ता है। महिलाएं आज भी सुरक्षित नहीं है, जब आप ऐसे इन्वेस्टिगेशन करती है रेप के जो मामले सामने आते हैं, हाँ जी, कुछ महिलाएं जो है आगे नहीं आ पाती, हाँ जी, कैसे इन्वेस्टिगेट करती है, कैसे आप समझाती हैं आप? अगर हमारी नज़र में कोई ऐसी महिला आ जाती है तो हम उसको ये जागरूक करते हैं, भाई आज तो तुम्हारे साथ हुआ है, कल नहीं ये किसी और के साथ भी हो सकता है, आज तुम खड़े नहीं होगे तो फिर कब खड़े होगे, उनको हम समझाते हैं इसके बारे में। महिला दिवस में एसपी साहब ने भी हमें इसीलिए सम्मानित किया ताकि हम अपने काम को और अच्छा बेहतर कर सकें। जब बड़ा ऐसा लीड अफसर हो, लीड अच्छा करता हो, हाँ जी हाँ जी, काम करने का उनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये तो है ही, एसपी साहब ने इसीलिए सम्मानित किया। अभी आगे महिलाओं को कोई भी है, कोई गरीब भी है, अमीर भी है, सभी तरह के, कई महिलाएँ ऐसी होती हैं जो सामने नहीं आती, कई महिलाएँ ऐसी होती हैं जो सामने आ जाती हैं लेकिन गलत भी करती हैं, लेकिन एसपी साहब का ये है भाई जो गलत है तो वो गलती है, अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो वो गलती है। एसपी साहब ने इसके देखते हुए इसीलिए लेडीजों को यहाँ पे महिला पुलिस की लेडीजों को सम्मानित किया है भी, ताकि वे फील्ड में अच्छा काम करें, किसी को न्याय मिले, इसलिए महिला पुलिस कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। लेकिन एक नाम जो सबसे ऊपर था वो था समाज सेवी सविता आर्य, एकमात्र समाज सेवी सविता आर्य को सम्मानित किया गया। इस सम्मान की हकदार वो हमेशा इसलिए रहती है क्योंकि समाज में अग्रणी रहती हैं और अच्छा काम करती हैं और ख़ास तौर पर पुलिस के जो काम करती हैं उनका उनकी हेल्प करती हैं। पिछले दिनों जो मामला हुआ, जो दो घंटे की बच्ची जो गिराई गई थी, उनको ढूंढने में जो उनके आरोपी थे इनका विशेष योगदान रहा। और जब अभी जो पिछले दिनों 26 जनवरी गई उस पर सम्मानित किया जाना चाहिए था, लेकिन इनका नाम जो है सम्मानित करते करते रह गया। रात को फ़ोन आता है कि आपको सुबह सम्मानित करना है, लेकिन सम्मानित वाली लिस्ट से इन्हें हटा दिया गया। पानीपत के एसपी ने इन्हें सम्मानित किया है, सविता आर्य को, उनसे बातचीत करते हैं। सविता जी, पहले तो आपको बधाई, एसपी ने सम्मानित किया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि वो हमेशा ही, एक दिन महिलाओं का नहीं होता, हर दिन महिला का होता, सुबह जब महिला उठती है वहाँ से शुरुआत होती है और रात को जब सोती है वहाँ अगले दिन की उसको चिंता होती है, तो हर दिन महिला दिवस होता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ पानीपत पुलिस का जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा। तो आपको फ़ोन आया था जी एसपी ऑफिस की तरफ से कि आज आपको सम्मानित किया जा रहा है? जी, शाम को फ़ोन आया था कि सुबह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपको एसपी साहब सम्मानित करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि समाज में जब कोई भी महिला कोई काम करती है तो उसको जब सम्मानित करते हैं तो उसकी हौसला अफजाई होती है, उसमें उसके काम करने की क्षमता जो है वो और बढ़ती है। अच्छा, मेरे ख्याल में चाहे भले ही ये कागज़ का टुकड़ा हो भी, कागज़ का टुकड़ा मिले तो समाज से भी तो उसको करता रहेगा समाज सेवा, लेकिन ये कागज़ का टुकड़ा कहीं ना कहीं एप्रिसिएशन देता है, आपको हौसला देता है, चाहे वो समाज में जो जुड़े लोग हैं वो दें, चाहे पुलिस के अधिकारी दें, चाहे मुख्यमंत्री साहब दें, इस चीज़ को कैसे दें? देखो, मैं आपको पता ही है कि मैं पिछले जैसे 6-7 साल से नारी उत्थान के लिए काम करती हूँ, बेटियों के लिए काम करती हूँ, और हमेशा ही मैंने इसमें पुलिस, क्योंकि मेरी जो 24 घंटे जो मेरा पुलिस के साथ ही ज़्यादा संबंध होता है, क्योंकि केस जो सारे आते हैं वो पुलिस से संबंधित ही होते हैं, और पहली बार ये सम्मान मुझे मिला है पुलिस की तरफ से तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आपको पता है कि सहयोग तो मैं हर केस में ही तकरीबन करती हूँ, झूठ और सच का पता मैं अधिकारियों तक उनके संज्ञान में डालती हूँ, झूठ क्या है सच क्या है, तो लेकिन आज अच्छा लगा कि 7 साल में मुझे ये सम्मान मिला। चलिए, सविता जी हमारे साथ थे, बधाई हो उन महिला कर्मचारियों को भी जिन्होंने अच्छी ड्यूटी दी और अच्छा सम्मान जो है पानीपत के कप्तान यानी कि एसपी साहब ने उन्हें दिया है। और अच्छा ये भी लगता है कि जो समाज से भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, समय समय पर उन्हें अधिकारियों द्वारा सम्मानित किया जाए तो ये भी एक अच्छा एप्रिसिएशन होगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।